तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं तो बढ़िया हूँ। गुड। तो चलिए हम अपनी आगे की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की पहली एक्सरसाइज है, सही वाक्य पर टिक तथा गलत पर क्रॉस लगाइए। मतलब ये हमारे ट्रू फॉल्स हैं, सही और गलत। तो पहला सेंटेंस हमारा है, बुलबुल ने अपना घोंसला पेड़ की डाल पर बनाया था। आप पाठ को याद करिए, पाठ को समझिए अपने आप दिमाग में, और ये सोचिए कि जो बुलबुल ने घोंसला बनाया था अपना, वो पेड़ की डाल पर बनाया था या फिर कहीं और बनाया था। सेंटेंस हमारा है, जब अंडों में से बच्चे निकले तो उनके पंख नहीं थे। याद करिए, जब बुलबुल के अंडे फूटे थे और उसमें से बच्चे निकले थे, तो क्या उनके पंख थे? नहीं थे। तो यहाँ पे भी लिखा है नहीं थे, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। थर्ड सेंटेंस हमारा है, बुलबुल ने अपने बच्चों को अनाज का दाना खिलाया। अब सोच के बताइए, जब बुलबुल और बच्चों के लिए खाना लेके आई थी, तो वो क्या लेके आई थी? क्या वो अनाज का दाना लेके आई थी या कुछ और लेके आई थी? हाँ, वो लेके आई थी एक लंबा सा कीड़ा। तो ये सेंटेंस तो हमारा फिर गलत हो गया। बुलबुल के बच्चों की आवाज बहुत मीठी थी। जब बुलबुल की आवाज मीठी होती है, तो उसके बच्चों की आवाज भी मीठी होती है। तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। घोंसला खाली देखकर आभा और अंकुर खुश हो गए। जब बुलबुल के बच्चे पंख आने पर खुले आकाश में उड़ गए थे, तो क्या आभा और अंकुर उनको देखकर, यानी कि खाली घोंसले को देखकर खुश हुए थे? नहीं हुए थे। तो ये सब हम लेते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, शब्दों को उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। मतलब दो कॉलम दिए हैं आपको, यहाँ पे दिए हैं 5 शब्द और यहाँ पर भी दिए हैं 5 शब्द। इन पांचों के उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि अपोजिट वर्ड, या हम हिंदी में बोलें तो विलोम शब्द, यहाँ पर इन शब्दों के विलोम शब्द दिए हैं, उनसे हमको मिलाना है। और आपको याद है ना, मैचिंग हमको लाइन खींच कर नहीं करनी है, मैचिंग हमको कैसे करनी है? नंबर्स डालकर। तो चलिए, फर्स्ट वाला आपके लिए किया हुआ है, दिन, दिन का उल्टा रात। छोटे, छोटे का उल्टा क्या होगा? चलिए यहाँ पे शब्दों को पढ़ते हैं। अंदर, उदास, रात, बड़े या कड़वी, क्या होगा इसका उल्टा? छोटे का उल्टा बड़े। तो यहाँ पे हम डाल देंगे नंबर 2। थर्ड है हमारा बाहर। बाहर नहीं है, बाहर। इसको सही से पढ़िएगा, मात्रा जो है वो कहाँ लगी है? बा पे लगी है। तो बाहर, बाहर नहीं है, बाहर। बाहर और अंदर। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर। मीठी, कड़वी। तो चलिए हम यहाँ पे भी नंबर 1 डाल देते हैं। खुश, यहाँ पे एक लास्ट बचा है उदास। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रिक्त स्थानों की, या सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। घोंसले डैश अंडे थे, घोंसले डैश अंडे थे। मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पर दिखाऊंगी, इसके जो फिलिंदी ब्लैंक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें को, के, ने और मे ये शब्द लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? घोंसले को अंडे थे, घोंसले के अंडे थे, घोंसले ने अंडे थे, या फिर घोंसले में अंडे थे? बताइए। यहाँ पे आपको शब्द दिख रहे हैं ना, को, के, ने की में। तो हमारा सेकंड सेंटेंस है, वह दौड़कर अंकुर डैश बुला लाई। वह दौड़कर अंकुर को बुला लाई। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, आभा और अंकुर डैश के पास जाकर देखा। आभा और अंकुर डैश पास जाकर देखा। तो आभा और अंकुर ने, आभा और अंकुर ने पास जाकर देखा। अब बुलबुल डैश बच्चे फुदकने लगे थे। जब बुलबुल के बच्चे बड़े हो गए थे, तो वे क्या करने लगे थे? फुदकने लगे थे। तो फिर अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। तो चलिए इन चारों सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला हमारा था, घोंसले में अंडे थे। सेकंड है हमारा, वह दौड़कर अंकुर को बुला लाई। नेक्स्ट वन इज, आभा और अंकुर ने पास जाकर देखा। और आखिरी हमारा है,
अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। ठीक है, समझ में आ